गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ पू एंड प्राश एंटरटेनमेंट। जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यानी भूल गए, वो लोग भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के वीडियो में मैं एक सिंपल सा DIY लेकर आई हूँ जो आपको दिवाली में बहुत ही यूज़फुल है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको लगेगा, ये एक डिस्पोजल है जिसमें कुकीज़ आई थी, ठीक है, और आपको एक प्यारा सा वाइन ग्लास लगेगा, और इसे कहते हैं डी कप टिश्यू पेपर। ये आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमें करना है कोई भी टिश्यू पेपर एक लेकर, तो हमें टिश्यू पेपर को इसे रैप करना है। तो इस रैप करने के लिए एक मॉड पॉज ग्लॉस आता है फेविक्रिल का, ये भी ऑनलाइन है अवेलेबल। इसमें की जो जो चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको। ये मैंने एक फ्लैट ब्रश ले लिया है, आप ब्रश की हेल्प से इसे स्टिक कर सकते हो। इसमें एक लेयर होती है, वो आपको इस तरीके से निकाल देती है। सो ये बहुत इजीली नहीं चिपकेगा, आपको ऐसे कटोरी में पानी लेना है और आधा चिपकाने के बाद में जस्ट ऐसे पानी से आप इसे कर लीजिए, ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ये देखिए, गाइस ये 15-20 मिनट या आधे घंटे में सूख जाएगा। इसको सूख जाने के बाद में फिर से इसके ऊपर ये ग्लॉस लगा देना है, ये ग्लॉस की वजह से अच्छे से स्टिक रहेगा। और फिर से इसे 15-20 मिनट फिर से ग्लॉस सूखने के लिए रख देना है। ग्लॉस सूखने के बाद में आपको एक ऐसा वाइन ग्लास लेना है। मेक श्योर कि ये वाइन ग्लास की जो लेंथ है, आप इस ढक्कन को ऐसा रखने के बाद में ये वाइन ग्लास का ये साइड है दिखना नहीं चाहिए, उतना कवर हो जाना चाहिए। और वाइन ग्लास के अंदर आप ये स्ट्रिंग लाइट मिलती है, ये 70-80 रुपीज़ की मिलती है, तो स्ट्रिंग लाइट ऐसी डाल दीजिए इसके अंदर शुरू करके, और इसके ऊपर ऐसा रख दीजिए। हो गया आपका रेडी एक लैम्प, तो आप देखिए अंधेरे में कैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर, बहुत सिंपल DIY है जो आप आपके घर पे कर सकते हो, और इसे करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत सोबर है, आप इसको एज अ डेकोर आइटम भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की ओर। और आजकल स्ट्रिंग लाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा चलो स्ट्रिंग लाइट से कुछ बना लेती हूँ। सो गाइस, इस DIY के लिए आपको ये एक बॉटल, ये स्ट्रिंग लाइट, और या कोई भी सुतली या कोई भी धागा, बट थोड़ा सा मोटा हो। तो मैंने ये धागा लिया है, आप डबल कोई भी कलर का ले सकते हो, आपको जो कलर पसंद है। सो हमें बस करना इतना है कि ये जो स्ट्रिंग लाइट है इसको इस बॉटल में डाल देना है। ये कॉर्क कहीं पे भी मिल जाता है आपको, स्ट्रिंग लाइट के साथ ही ये कॉर्क आता है, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और मीशो पे भी अवेलेबल है, मैं इसका आपको लिंक दे दूंगी। देखिए कितना सुंदर लगता है, और इसे हमें और भी अच्छा बनाने के लिए बस कुछ भी नहीं, ये एक ऐसा धागा लिया है मैंने, तो इस धागे को मैं बस सिर्फ देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसे चिपका लीजिए, ट्रांसपेरेंट टेप से चिपकाना तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा। चिपकाने के बाद में इतना ऊपर आपको रहने देना है धागा, गाइस सेलो टेप आप थोड़ा सा अच्छे से टाइट कर लेना, या फिर आपके पास जो भी सबसे अच्छा ग्लू या फेविकॉल होगा, आप फेविकॉल नहीं फेविक्विक से आप उसको अच्छे से स्टिक कर लेना।
और इसके बाद आपको इसको नीचे से ऐसे रैप कर लेना है। इसको आपको इसके नेक तक ही लाना है, नेक के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है आपको कट कर देना है। गाइस देखिए ये रेडी हो चुका है आपका, और ये स्ट्रिंग लाइट को यहाँ से एक बटन रहता है, देखिए। सो आप ऐसे सुंदर से दो दो DIY आपके घर पे बना सकते हो, और ये आपके कोई भी कॉर्नर टेबल पे रखने के लिए बहुत ही सुंदर दिखेंगे। तो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा ये दोनों DIY आपको कैसे लगे। तो फिर चलिए मिलते हैं आपके साथ में अगले ब्लॉग में। बाय एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।